हेलो, माय नेम इज श्रीदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक पर्सनल चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। 2 दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे इस चैनल का था जिसमें मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो लिस्टेड थे और करीब 60-70 मेंबर्स हो गए थे जिनको जिनसे मैं बात करता रहता था। हालांकि बहुत बात नहीं करता था, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर नहीं करता था, सिर्फ वीडियोज़ इसी ज़्यादा शेयर करता था। बट मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसके पीछे ये पर्पज़ नहीं था मेरा कि मैं अपने वीडियोस शेयर करूं या उसमें नॉलेज शेयर करूं, क्योंकि वो तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू शेयर कर ही रहा हूं। मेरा ये पर्पस था कि अ ग्रुप ऑफ फिल्म मेकर्स विल कम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग। सो कुछ दिन पहले जब मैंने देखा कि ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है तो मैंने एक मैसेज लिखा कि अगर कुछ फिल्म मेकर साथ आना चाहते हैं, अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो वो 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करें, अपने बीच में से एक प्रोड्यूसर ढूंढें, डायरेक्टर ढूंढें, ये सारे लोग ढूंढें और अपनी फिल्म बनाएं और उसको रिलीज़ करें। और इससे इनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही मिलेगा फिल्म बनाने का और एक प्रोफाइल बनेगा, क्योंकि मुंबई जाने से पहले आपका एक प्रोफाइल होना ज़रूरी है कि आपने एक फिल्म बनाई है या शॉर्ट फिल्म बनाई है। और इंडिविजुअली सबके लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि चलो ये आइडिया देता हूँ सबको कि सब लोग अपना शुरू करो, मैं उसमें आप लोगों की हेल्प करूँगा जहाँ तक मुझसे हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी फिल्म ही बनाने का प्लान कर रहा हूँ, अपने भी काम करता रहता हूँ, तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं उसमें हेल्प करूँगा। और मैंने ये डिसाइड किया था कि जब भी अगर फिल्म बनती है, इनकेस अगर कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, तो मैं उसमें डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं उसमें कुछ भी मदद नहीं करूँगा क्रिएटिवली, इसलिए ताकि अगर मैं उसे मदद करूँगा तो कोई भी कुछ सीख नहीं पाएगा। तो जो इंटेंशन था उस ग्रुप में इस मैसेज को डालने का, वो ये था कि बेसिकली सब लोग अपनी फिल्म बनाएं और उस प्रोसेस को सीखें, भले ही वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करें, बहुत ऑब्स्टेकल्स फेस करें, डिफ़िकल्ट होगा, पर सीखें। अगर 30 लोग भी इकट्ठे होते तो 5-5 हज़ार में 1.5 लाख रुपये इकट्ठे होते, उसमें वो इक्विपमेंट हायर कर सकते थे, लोकेशन हायर कर सकते थे और अपनी फिल्म बना सकते थे। बट जो रिस्पॉन्स मुझे उसमें आया वो उतना एक्साइटिंग नहीं था। बहुत ही कम लोगों ने पहले तो वॉलेंटियर किया और दूसरा एक दो लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किए जो ग्रुप में नहीं किए, पर्सनली मेरे को मैसेज किए। मैं बताऊंगा नहीं किस किस ने क्या मैसेज किया, बट कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आप पैसे मांग रहे हो, जबकि पैसे मैंने मांगे ही नहीं थे। मैंने तो ये बोला था कि आप अपने बीच में पैसे रखो, अपने में एक ट्रेजर बना लो, प्रोड्यूसर बना लो, उसको पैसे दो, वो अकाउंट देगा आपको, जो भी आपको करना है उसके साथ करो, ठीक है। और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, जो डीमोटिवेटिंग बातें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, इसको करने से क्या होगा, ये लोग फिल्म नहीं बना पाएंगे, 1.5 लाख रुपये में फिल्म नहीं बनती, इस तरह की निगेटिव चीज़ें मेरे को काफ़ी सुनने को मिली कुछ लोगों से। तो मैंने वो ग्रुप बंद किया, पर वो ग्रुप इसलिए बंद नहीं किया कि जो 5-6 लोग तैयार हुए थे जो पैसा डोनेट करने के लिए, अपनी फिल्म बनाने के लिए या ये करने के लिए, चलो हम फिल्म बनाते हैं, उनसे मेरा कुछ वो था कि नहीं यार 5-6 लोगों में पिक्चर नहीं बन सकती, नहीं, मैंने अपनी फिल्म 7 लोगों बनाई है, मेरा अभी भी मोटिवेशन है कि मैं ये काम करूँगा। बट मुझे एक चीज़ समझ में आई जिसकी वजह से मैंने वो ग्रुप बंद किया। मैंने उस ग्रुप में लोगों को खुद से ऐड किया था, जो लोग मुझे फ़ोन करते थे और फ़ोन कर करके मुझे बार बार अपनी कहानी सुनाते थे कि हम सर बहुत गरीब हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली के प्रॉब्लम्स है, हमारे फैमिली अलाउ नहीं करता फिल्म लाइन में जाएं, हमारा ड्रीम है बचपन से फिल्म लाइन में आना, और वो पैशन दिखाने की कोशिश करते थे मुझे कि हम बहुत पैशनेट हैं उस चीज़ को लेकर, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया है, कोई झाटू सी शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसके बाद बोलते थे सर हमने शॉर्ट फिल्म बना तो दी है, उसके बाद अब फिल्म लाइन में कैसे जा सकते हैं। एंड दे वुड कीप सीकिंग दिस सीक्रेट्स एंड आई वुड कीप ट्राइंग टू हेल्प देम, और उनकी कहानी सुन के मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बुरा लगता था यार मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं हेल्प करना चाहता हूँ पर क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है तो मैं उनको भेजूँ कहाँ। अगर आपको कुछ आता है सिनेमा के बारे में, आपको नॉलेज है, आप पैशनेट हो, तो आपके साउंड में दिखता है, आपकी आवाज़ में दिखता है, पर उनके पास सिनेमा को लेकर मुझसे बात करने, किसी भी सब्सक्राइबर ने मुझसे अभी तक सिनेमा को लेकर बात नहीं करी, उन्होंने जो भी मुझसे बात की है वो हमेशा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए किया है। तो ठीक है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ या आपको मोटिवेट करता हूँ, आई एम प्रिटी फाइन विद दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट व्हेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस वेयर यू हैव टू मेक अ फिल्म एंड वेयर आई एम सेइंग दैट यू कैन मेक अ फिल्म, जब मैंने अपनी फिल्में बनाई हैं, आप में से किसी ने फिल्म नहीं बनाई है और मैंने फिल्म बनाई है और मैं कह रहा हूँ कि चलो इतने कम पैसों में आप फिल्म बनाने का ट्राई तो करो, शुरू तो करो, आगे तो बढ़ो, परसिस्टेंस तो दिखाओ, पर आप अपने लेवल पे कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो, क्योंकि जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं उनका ये मैसेज होता है कि क्षितिज भाई मेरे को ना आप असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब दिला दो, क्षितिज भाई ना मेरे को आप ना इससे मिलवा दो, क्षितिज भाई ना इसका नंबर दे दो, क्षितिज भाई प्रोडक्शन हाउसेज से कैसे पता चलेगा। अरे अपने आप से कुछ करोगे कि नहीं करोगे, कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, अपने लेवल पे आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, एक सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो, जो भी सेक्रीफाइस हो दूसरा करे। मतलब ये टिपिकल मिलेनियल थिंकिंग है कि ना मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बुक रीड नहीं कर सकता, मैं पिक्चरें नहीं देख सकता सर मुझसे वो पिक्चरें पसंद नहीं है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आप उसकी फिल्में नहीं देखना चाहते, उसकी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, उसके आर्टिकल्स नहीं पढ़ना चाहते, आप उसमें मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि बैठे बैठे आपको एक बंदा आए और उसको वो आपको बोले कि काम करो सर मैं आपको डायरेक्टर बना देता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपये पड़े हैं, आप डायरेक्टर बन जाओ। आपने इतना हलवा समझ रखा है क्या चीज़ों को?
पता नहीं मतलब क्या मेंटेलिटी थी, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो 60 लोग जिनको मैंने ऐड किया था उन सबसे मेरी फ़ोन पे पर्सनल बातें हुई थी या उनसे मैसेज पे बातें हुई थी, एंड दे ऑल सीम सो मोटिवेशनल कि वो अपने यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं या फिल्म में जाना चाहते हैं या पैशनेट है फिल्मों को लेकर। तो मुझे लगा कि ये सारे लोग परसिस्टेंट हैं, ये सारे लोग वो हैं जो फिल्म करना चाहते हैं, तो मैं इनकी हेल्प करता हूँ। बट हेल्प करना तो दूर, ये तो खुद ही हेल्प नहीं करना चाहते। सो ये सोच के मैंने ग्रुप बंद किया कि नहीं, मैंने गलत लोगों को ऐड कर लिया ग्रुप में, वो लोग जो सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है। एंड दैट वॉज अ बिग रिवल्यूशन फॉर मी, मतलब बिग ह्यूज रिवल्यूशन फॉर मी कि जस्ट बिकॉज मैंने ग्रुप बना दिया उसमें लोग को ऐड कर दिया जिसमें कुछ निगेटिव बातें भी कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट निगेटिविटी इन माई ग्रुप और इन माई लाइफ। मैं क्यों तुम लोगों के लिए एफर्ट करूंगा, क्यों तुम लोग करूंगा जस्ट बिकॉज तुम लोग मुझे फोन कर रहे हो या मेरे ग्रुप में देख रहे हो कि मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें हेल्प करूंगा? मैं तुम्हें चाचा का लड़का हूँ, मामा का लड़का हूँ, मैं क्यों मदद करूंगा तुम्हारी? ज़बरदस्ती मतलब फोन कर करके आप एक्सपेक्ट करते हो। कई बार तो लोग गुस्सा जाते हैं मेरे से मैसेज में, एंगर एंग्री इमोशंस देते हैं, वो इमोटिकॉन्स देते हैं कि आप मेरे से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप मेरे जवाब नहीं दे रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना कि तुम लोगों को मैं जवाब दूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं तुम्हें किसी बड़े डायरेक्टर से उसका नंबर नहीं देता या उससे नहीं मिलवाता या तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर काम नहीं दिलाता, तो तुमने मुझे कोई पैसे थोड़ा ना दिए हुए उसके, या तुमने मुझे हायर थोड़ा किया हुआ है, मेरी कोई टैलेंट एजेंसी थोड़ा चल रही है कि जिसके अंडर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। मैं इरिटेट हो जाता हूँ उन सब चीज़ों से, उन जो मैसेज आते हैं, मतलब मुझे लगता है मैं क्या करूँ। मैं इसलिए बार बार सोचता हूँ कि चलो इस YouTube वीडियो का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मतलब कुछ और वीडियोस बनाता हूँ। मतलब ये जो स्ट्रगलिंग मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो बार बार मैसेज कर करके कि काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, अरे यार खुद के दम पे कुछ करो ना। अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तो मैं भी तो टेस्ट करूँ तुमको कि भाई तुम्हारे अंदर परसिस्टेंस है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि नहीं है। 3 महीना एक फिल्म बनाने में जो जाता है उसमें पैसा नहीं लगता है, पैसा तो सेकेंडरी है, मतलब वो बहुत बाद में आएगा, पर पहले अपनी विल पावर तो बनाओ, पहले अपनी थिंकिंग तो बनाओ कि मुझे फिल्म बनानी है, पहले वो एक बिलीफ तो क्रिएट करो कि यार मैं फिल्म बना सकता हूँ। जब वो बिलीफ ही नहीं है तो आप फिल्म बनाओगे कैसे? जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा था तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मेरा फ्रेंड था अविनाश, जिसके बारे में लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि अविनाश के बारे में कुछ बताइए, तो मैं बताता हूँ अविनाश के बारे में। अविनाश जो था उसकी जेब में पैसे नहीं थे और मेरी जेब में बहुत पैसे थे, पर कम पैसे थे, मतलब ऐसा नहीं था फिल्म बना सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए ही रहे होंगे उसमें फिल्म बनाने का कोई सोच नहीं सकता। एंड वी डिडंट हैव एनी मनी एंड वी नीड इक्विपमेंट्स, वी नीड एक्टर्स, वी नीड लोकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू मेक अ फिल्म। वो हमने डिसाइड कर लिया था कैसे बनाएंगे वो हमें नहीं पता था, एंड वो जरूरी नहीं है। अविनाश मुझसे रोज बोलता था, शितिश तू पैसों का टेंशन मत ले, पैसों का जुगाड़ मैं करूँगा, पैसों का जुगाड़ मैं करूँगा। वो नहीं कर पाता था, अल्टीमेटली मुझे जुगाड़ करना पड़ा, बट क्या था, वो बिलीव क्रिएट करता था। अगर आप पहले ही ये बिलीव क्रिएट कर लोगे कि आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं बना सकते हो, तो आप कभी वो चीज़ नहीं कर पाओगे। अविनाश की सबसे अच्छी बात ये थी कि इवन हमारे पास वो चीज़ नहीं होती थी, वो घर से निकल जाता था ये बोल के, रुक जा मैं कुछ जुगाड़ करके लाता हूँ, रुक जा मैं कुछ तरीका निकाल के लाता हूँ। हमारे पास जो हमने पहला पोस्टर बनाया था एम्फिगोरी का, मैं उसकी आपको स्टोरी बताऊंगा कि उसमें मैं सो रहा था बैठा, और अविनाश मेरे कमरे में आया, कहता चल पोस्टर बनाते हैं। नीचे से किसी के लड़के के पास से वो कोट लेके आया, किसी के पास से हम लोग कुछ लेके आया, मेरे पास छोटा सा कैमरा था, हमने उस पर पोस्टर बनाया। पता चला वो पोस्टर बहुत ही लो रिजोल्यूशन का बनाया, पर हमने उसको बनाया और रिलीज भी किया। और दैट इज़ हाउ थिंग्स हैपन, यू जस्ट मूव ऑन। आप बाहर घर से बाहर निकलोगे तो चीज़ें होंगी ना, घर पे बैठे बैठे विशफुल थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं सोचूंगा और फिर कुछ हो जाएगा, मेरे को कोई मदद करेगा, मेरे को यूट्यूब चैनल मिल गया जहाँ पे भैया हैं जो मुझसे बात करते हैं, वो मुंबई में रह चुके हैं तो वो मुझे मदद कर देंगे। आप अपने दम पे कब करोगे? अब अपने से पूरा इंटरनेट खाली खुला पड़ा है, प्रोडक्शन हाउसेस के नाम पड़े हैं, स्टिल पीपल आस्क मी कि प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ से ढूंढे? मतलब बच्चे हो क्या? मतलब 20-25 साल के लौंडे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार फिल्में कहाँ से देखें, प्रोडक्शन हाउस कहाँ से ढूंढें? यार इंटरनेट पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, ढूंढो ना, फेसबुक पड़ा हुआ, मैं भी तो वैसे ही ढूंढता हूँ, सभी वैसे ढूंढते हैं। तुम उतना भी एफर्ट नहीं करोगे कि अपनी उंगलियाँ कीबोर्ड पे चला के क्रोम खोल के प्रोडक्शन हाउसेस के नाम डालो, उनके एड्रेस नोट करो, सब कुछ तुमको प्लेटर पर सर्व चाहिए। So this is why I was irritated and I left that group. And now I have realized that मैं अच्छा करूँ चाहे बुरा करूँ, गाली तो लोग देंगे ही देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैं बेसिकली WhatsApp ग्रुप नहीं चलाऊंगा, अब मैं टेलीग्राम चैनल चलाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे को जो फ़ायदा है वो ये है कि मैं उसमें वहाँ पे फिल्में भेज सकता हूँ आपको, और मैं वहाँ पे आपको लिंक्स भेज सकता हूँ, और मैं किताबें भेजूंगा वहाँ पे। मेरे पास बहुत भयानक कलेक्शन है किताबों का, वो किताबें मैं वहाँ पे सेंड करूँगा। पर अब जिनको मैं ऐड करूँगा टेलीग्राम चैनल में, वो किसी भी फुकरे को मैं ऐड नहीं करूँगा।
जो एक्चुअली फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड रखते हैं, जो एक्चुअली जाना चाहते हैं, मैं उनको ऐड करूंगा, और उसकी एक फीस भी रखूंगा। आप फीस देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो टोटली आपके ऊपर है, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ बहानेबाजियां हैं कि मेरे मेरा फैमिली का प्रॉब्लम है। मुंबई भी जाओगे ना तो यही सारी प्रॉब्लम चलती रहेंगी, हर किसी के पास अपनी एक प्रॉब्लम है कि अरे मेरे बच्चे हो गए, मैं डायरेक्टर कैसे बनूँ, मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, मैं कैसे करूँ, मेरे घर पर पैसा नहीं, अरे किसी के पास पैसे नहीं होते यार, पर करते हैं ना लोग। रैक्स टू रिचेस स्टोरी नहीं पड़ी क्यों, नवाजुद्दीन की स्टोरी नहीं है, पैसे थे उसके पास, क्या बनाना एक्टर हो। तो जो लिमिटेशन है ना अपने दिमाग से सबसे पहले हटाओ, अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना ये लोगों को बताना बंद करो कि लाइफ में से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं कि मतलब पैसे नहीं आए तो पैसे नहीं तो कमाओ ना, जाके मजदूरी करो, रात में वेटर का काम करो, कहीं भी कुछ भी काम करो, पैसे कमाओ। दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताने से क्या, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बताऊं, आप सॉल्व कर दोगे क्या? मैं मांगू कि एक काम करो मेरे को 10 करोड़ रुपये दे दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अपनी फिल्म बनानी है, ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को पैसे दे दो यार करके, आप दे दोगे क्या? कोई नहीं देने वाला ना। आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो क्यों ये बकवास करनी है? प्रॉब्लम अगर बता रहे हो तो ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, मोटिवेट करूंगा, सब कुछ करूंगा, बट आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, नो वन कैन हेल्प यू। आप जिम जाते हो, आपके बिहाफ पे आप किसी लौंडे को हायर करके जिम में एक्सरसाइज करने नहीं भेज सकते, आपको जिम जाना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। परसिस्टेंस होना चाहिए, अगर आप सिनेमा में आना चाहते हो तो पेशेंस रखो, मेहनत करो उसके लिए। मैं किताब नहीं पढ़ सकता, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं वो पिक्चर देखने मज़ा नहीं आता, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको फिल्में देखनी पड़ेंगी, आपको इंटरनेशनल फिल्में देखनी पड़ेंगी, आपको डायरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, और सारी चीज़ें इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। अभी 20 साल पुराना वाला दुनिया नहीं है जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब रास्ता तो ढूंढो, आगे तो बढ़ो, एक स्टेप तो बढ़ाओ, घर पे बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते हो चीज़ें होंगी होंगी, नहीं होंगी वैसे चीज़ें। एंड दैट हैज़ वॉट मेड मी एंग्री, एंड दैट इज़ वाई आई डिलीटेड द व्हाट्सएप ग्रुप, कि जो पर्सनल मैसेज मुझे आ रहे थे, किसी के लिए मेरे मन में कोई वो नहीं है, जिसने जिसने भी कुछ भी मैसेज किया मुझे, किसी को वो नहीं। आप काम मांगते हो मुझसे, मांगो, अच्छी बात है, आप रेज्यूमे भेजते हो, ठीक है, आप रेज्यूमे बनाओ इसी बहाने, इसी मोटिवेशन में कि मुझे भेजना है, आप रेज्यूमे बनाओगे अपना, मुझे भेजोगे, मैं एडवाइस कर सकता हूँ आपको, मैं बिल्कुल भी आपको जॉब नहीं दिलवाऊंगा अंटिल अनलेस आई फील कि आप रेडी हो, और आप वहाँ जाके मेरी बेइज्जती नहीं कराओगे। आपकी जो विशफुल थिंकिंग है वो विशफुल थिंकिंग नहीं है। कल को मैं आपसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो आप उसका जवाब दे पाओ, कल को मैं आपसे पूछूँ पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, ये आता है, वो आता है, तो आप उसका जवाब दे पाओ। ये नहीं कि सर हमें बड़ा पैशन है, हमें बड़ा मज़ा आता है, हमारा इच्छा है कि हम जाएंगे। अरे आपकी इच्छा होगी होगी, हज़ारों लोग हज़ारों डिज़ायर्स है, क्या कोई आदमी बैठ के पूरा करता रहेगा क्या उसको? जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट डजेंट मीन समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये बच्चों वाली थिंकिंग हटा दो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बातें आज पसंद ना आ रही हो, पर फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये चैनल अगेन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ के लिए बनाया नहीं, वरना मैं पैसे डालता और उन्हें व्यूज़ बढ़ा लेता, सब्सक्राइबर बढ़ा लेता, जैसे सब लोग बढ़ा ही रहे हैं। मैं और प्रमोट करता, मैं अपने फेसबुक पे भी जाता वीडियोस नहीं डालता, कभी कभार ही डाल देता हूँ कोई वीडियोस। तो मैं कुछ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप चले जाओगे मेरे पास से तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, नहीं, ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं बनना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो वीडियो, मत देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने साथ गलत मत करो। अगर एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे नहीं मिली थी वो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भैया एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे 60 के 60 लोग एक ही थिंकिंग, एक ही फ्रिक्वेंसी पे सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था इनिशियली कि एक ही फ्रिक्वेंसी पे सोच रहे हैं, सबके सब फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, सबके सब फिल्म लाइन में आना चाहते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं को ऐड किया था जो फिल्म लाइन से बात, फिल्म लाइन की बातें करते थे, और उसमें भी जो लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि नहीं, तो फिल्म बनी नहीं सकती। अरे बनी है भैया, इससे पहले भी सस्ती फिल्में बनी हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ भी आते थे घंटे के बन रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये में। आप कौन सी पर्सनल बिलीफ लेके चल रहे हो, आप कौन से डेटा पे बात कर रहे हो, आप कौन से स्टैट्स पे बात कर रहे हो? मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप उस पैसे पिक्चर से पैसा कमाना है, 5,000 रुपये में तुम्हारा अगर डोनेशन भी हो रहा है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फीस अनुपम खेर इंस्टीट्यूट की 2-2 महीने 3-3 महीने ये वो देने को तैयार हो, पर 5,000 रुपये 10,000 रुपये अपने लिए देने को तैयार नहीं हो ताकि तुम अपनी फिल्म बना सको। और तुम्हें तो एक टीम भी मिल रही है तुम्हारे आसपास, अक्सर लोग ये बोलते हैं हमारे आसपास सर वो लोग नहीं है जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें, पिक्चर बना सकें। मैं तो तुम्हें लोग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो तुम्हारे जैसा ही सोचते हैं, जो राइटर भी हैं जिसमें कैमरामैन भी मिलेंगे तुम्हें, एडिटर, उस ग्रुप में तुम्हें सारे वो टैलेंट मिल लेते जो तुम्हें चाहिए थे अपनी फिल्म बनाने के लिए। बट यू जस्ट कांट थिंक अबाउट इट, यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज इट वॉज गिवन फ्री टू यू, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज आई वॉज हेल्पिंग यू विदाउट एनी सेल्फिश रीजन। और ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, एक प्रोड्यूसर थे एक फिल्म के, वो मेरे को उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी, तो वो मेरे पास मैं उनसे मिलने गया था एक बार किसी काम से, तो उन्होंने कहा शिजी मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही यार, टी सीरीज़ मेरी बात करा दो, मेरे को अपनी फिल्म बेचनी है, ऐसा करना है वैसा करना, 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स मिला दो।
तो मेरा एक फ्रेंड था एक बड़ी कंपनी में, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा कि एक काम करो यार, तू इससे मिल ले और इनसे अपना जो भी है वो कर ले, पर देखना कमीशन मत मांगना क्योंकि ऑलरेडी इन्हें काफ़ी पैसे जा चुके हैं फिल्म में। वो उनसे मिला और बीच में जब उनको मैं मिला रहा था तो बीच में मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, वापस आया तो पूरा सीन ही बदल गया था। तो हुआ क्या था बेसिकली, जो मेरा दोस्त था वो सोच रहा था कि मैं प्रोड्यूसर से कमीशन ले रहा हूँ, प्रोड्यूसर सोच रहा था कि मैं इस बंदे से कमीशन ले रहा हूँ और ये फिल्म बिकवा रहा हूँ। और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो अनसेल्फिशली उस प्रोड्यूसर की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। वो जो प्रोड्यूसर थोड़ी देर पहले मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि क्षितिज भाई मदद कर दो, क्षितिज भाई मदद कर दो, बाद में वो एटीट्यूड दिखाने लगा मुझे, क्योंकि उसको लगा था कि मैं उस बड़ी कंपनी से कमीशन खा रहा हूँ। और बेसिकली मैं बेइज्जत भी हुआ, बेइज्जत इन द सेंस कि मतलब उन लोगों को लगा कि मैं कमीशन खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैंने कमीशन खा ही लिया होता, इससे अच्छा तो मैंने अपना पैसा मांग ही लिया होता। जब बेइज्जती ही होनी है, जब मेरे लिए ये अलांछन लगना ही है कि भाई आप पैसा लोगे, मैं तो भाई बिना सेल्फिश रीज़न के किसी की हेल्प करने की सोच रहा था। पर दुनिया वैसे नहीं चलती जैसा आप सोचते हो, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो, लोगों को लगता है यार ये आदमी फ्री में हमारी मदद क्यों कर रहा है, इसका भी कोई इंटेंशन होगा, सेल्फिश रीज़न होगा। वो ये सोच ही नहीं पाता कि शायद इसका कोई सेल्फिश रीज़न ना हो, शायद वो ऐसी मदद करना चाहता हो। और कई लोगों ने मेरी मदद की है मुंबई में, और मैं भी कभी कभी सोचता था कि यार ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। समटाइम्स यू जस्ट लाइक पीपल, समटाइम्स यू जस्ट लाइक टू डू, समटाइम्स यू लाइक टू हेल्प पीपल, वॉट कैन वन से अबाउट दैट। तो हर चीज़ के पीछे सेल्फिश रीज़न नहीं होता है कि जबरदस्ती मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ तो इसके पीछे वो पिक्चर को मैं बेच देता बाद में OTT में और करोड़ों रुपये कमा लेता। यार कितने चुतियापे की बात है, 1.5 लाख की फिल्म को बेच के 1 रुपया घंटा नहीं मिलने वाला, कोई उसे खरीदने वाला नहीं है। और यही थिंकिंग मेरे एक प्रोड्यूसर की थी जिसने फिल्म बनाई थी और वो 5 लाख की फिल्म बना के सोच रहा था कि वो 2 करोड़ रुपये कमाएगा। मतलब ह्यूमन थिंकिंग के कोई लिमिट नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। अगर 5 लाख की फिल्म से तुम्हें 5 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं तो बहुत है तुम्हारे लिए, 1.5 लाख की फिल्म से अगर तुम्हें 1.5 लाख भी वापस मिल जाते हैं बहुत है तुम्हारे लिए। और मैं तो कह रहा हूँ रिटर्न करने की सोच क्यों रहो, ये तो साला इन्वेस्टमेंट है तुम्हें सीखने के लिए, सीखना चाहिए था। बट अब वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अब आपको जो करना है आप अपने आप से करोगे। और मैं आगे जब भी हेल्प करूंगा तो आई विल चार्ज फॉर इट, मतलब वो मैं नहीं करने वाला फ्री में। थोड़ा बहुत एडवाइस करता हूँ, 2-2 घंटे लोग मुझसे बातें करते हैं, मैं सबको एडवाइस करता रहता हूँ। मैंने क्या काउंसिल की दुकान खोल रखी है क्या, मतलब मैं अपना काम भी कर रहा हूँ साथ में 2-2 घंटे एडवाइस भी कर रहा हूँ। आई फील एंड आई डिंट फील बैड वाइल काउंसलिंग ऑल दीज पीपल, मुझे अच्छा लगता था कि मैं चलो किसी की हेल्प कर रहा हूँ। मुझे मुझे आंध्र प्रदेश से फ़ोन आते थे, मुझे बैंगलोर से फ़ोन आते थे, मुझे जम्मू कश्मीर से भी फ़ोन आए लोगों के, मुझे वेस्ट बंगाल से बंगाली लोगों के फ़ोन आए, मुझे छत्तीसगढ़ से फ़ोन आए लोगों के, जिन्होंने मुझे बोला कि सर हम फिर आपका वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, सर हम भी फिल्में में आना चाहते हैं, आप हमें बताइए हम कैसे आ सकते हैं। मैंने सबकी हेल्प करी। बट अब लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा था, कि वो तो सिर्फ मतलब वीडियो देख के बस ये हो जाता है कि उनको लगता है कि बड़ा ईजी है, पहुँच जाएंगे वहाँ पर। अबे जब फिजिकल स्ट्रगल देखोगे ना तो भाग जाओगे। कई लोग ना एक्टर बनना चाहते हैं, जो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमें एक्टर बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें ये करना है, सर आप बताइए क्या तरीके हैं। कोई सीक्रेट नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, नेपोटिज्म है, अमीर का लड़का वहाँ बड़ा एक्टर बन ही जाता है, उसमें उसमें उससे आप बच नहीं सकते हो। वहाँ पर आप देखोगे कि जो अमीर के लड़के हैं वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या करोगे उसके लिए, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ सब चीज़ों के सिवाय एक ही चीज़ के, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर से बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा, घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, आपको घर से निकलना ही पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उस हेल्प को काटो मत। मैंने एक बहुत पहले कहानी पढ़ी थी काल सर्प की, मतलब वो काल सर्प सांप होता है जो अपनी पूंछ खुद ही काटता है। तो वैसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं मुंबई में भी, और वैसे ही कुछ सब्सक्राइबर ही मुझे मिले जो काल सर्प योग से पीड़ित हैं, जिनको जो अपनी पूंछ काटते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है और आप उसको इस तरह से रिजेक्ट कर रहे हो, करो रिजेक्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपकी वजह से मैं डीमोटिवेट हुआ और बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ इसमें, लाइक जो छोटे मोटे लोग तैयार थे। सो जिनको फिल्म बनानी है, लाइक मैं 10 लोगों का एक ग्रुप बनाऊंगा आज से कुछ टाइम के बाद, जिनको मैं ग्रूम करूंगा और उनके साथ मैं फिल्म भी बनाऊंगा। पर वो 10 लोग कौन होंगे वो मैं धीमे धीमे चूज़ करूंगा, जिनका मुझे लगेगा कि यार ये पैशनेट हैं, ये वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो मैं बताता हूँ, मतलब उनको नॉलेज भी है, वो नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भले ही किताब पढ़ो या ना पढ़ो, आप किताब पढ़ने की कोशिश करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप पिक्चर देख नहीं खो ना देखो डजेंट मैटर, बट आप पिक्चर देखने की कोशिश करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ट्राई करो, जो ट्राई करता है वो सक्सेसफुल होता है, और जो ट्राई करता है और दिखता है कि यार इसके अंदर वो चीज़ है कि लड़ने को तैयार है। बाकी तो मैं सिखा दूंगा, मतलब जो 10 लोगों को मैं ग्रूम करूंगा, अगर मुझे उनके अंदर ये दिखता है कि उनके सीखने की ललक है, वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी मतलब कुछ भी करने से, बकवास नहीं कि सर हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी करने को तैयार है, तो ही मैं उनको ग्रूम करूंगा और ग्रूम करके पिक्चर बनाऊंगा, और मैं उनके लिए पिक्चर बनाऊंगा ताकि उनका करियर इस्टेब्लिश हो सके और उनकी हेल्प हो सके।
और उन 10 लोगों के साथ अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब मुझे तो अपनी फिल्म बनानी है, मैं असिस्ट नहीं कर सकता। कहीं किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने शोरगुल के बाद या किसी और पिक्चर में असिस्ट किया, नहीं मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर में असिस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं असिस्टेंट काम के लिए मना कर देता था। बहुत जल्दी मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया था, तो मेरे से होता नहीं था कि मैं डायरेक्टर, क्योंकि मेरे के अंदर खुद डायरेक्शन वाला सेंस था, तो मैं सेट पर जाकर दूसरे डायरेक्टर की सुन नहीं पाता था। मतलब मुझे पता था कि यार गलत शॉट ले रहा है, ऐसे नहीं लेना चाहिए। मतलब हो सकता है उतना सही शॉट ले रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो डायरेक्टर गलत थे, उनकी अपनी थिंकिंग मेरी अपनी थिंकिंग है। मुझे लगता था कि ऐसे शॉट लेना चाहिए, और तो वो मेरे अंदर एक थॉट आता था कि मैं सबमिसिव नहीं हो पाता था, और असिस्टेंट डायरेक्टर का सबमिसिव रहना बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवेज, सो ये रैंट मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, और इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया, इन केस यू वांटेड टू नो। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मैंने व्हाट्सएप में क्या किया सबको एक एक करके हटा दिया। हालांकि मैंने मैसेज किया था कि आई एम डिसॉल्विंग द ग्रुप, पर लोगों को समझ में नहीं आया, फिर मैंने एक एक करके सबको हटाया, उसके बाद मैंने ग्रुप डिलीट कर दिया। और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने सर हमें निकाल दिया या ग्रुप डिलीट क्यों कर दिया, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब एक एक करके 50 लोगों को रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और डाल देता हूँ, सो दैट एवरीवन विल नो कि मैंने वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप क्यों डिलीट किया। तो ये वो कारण था कि मैंने उसको डिलीट किया, बिकॉज इट टॉट मी अ ह्यूज लेसन दैट देर हैज़ टू बी अ स्क्रीनिंग प्रोसेस वेयर यू सी दैट पीपल हु आर ओनली विलिंग टू डू समथिंग कैन कम। सो अभी जो ग्रुप बनेगा वो व्हाट्सएप नहीं बनेगा, या व्हाट्सएप में जो बनेगा उसको मैं वैसे ही चलाता रहूँगा, कुछ टाइम के बाद जाके बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा एक नई चीज़ सीखने को मिली, जो कि यूट्यूब में पहली बार आया था, इतने लोगों से पहली बार इस तरह से कनेक्ट हो रहा था, तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट पीपल विल बी सो डीमोटिवेटिंग इन टर्म्स कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब जो विलिंग लोग हैं मैं उनकी हेल्प करूँगा, जो 5-6 लोग थे उनकी मैं मदद करूँगा, और अपना एक 10 लोगों का ग्रुप बनाऊँगा जिनके साथ हम लोग फिल्म बनाएंगे। इवेंचुअली हम लोग फिल्म बनाएंगे, लॉकडाउन खत्म हो, मैं भी लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। सो आई वॉन्ट स्टॉप, मेरी फिल्म के लिए पैसों का जुगाड़ मैं करूँगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर का जो खर्चा है वो मैं अपने चला लूँगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिसको जुड़ना है वो जो मेरे वीडियोस पे लगातार कमेंट करते रहते हैं, तो जिससे मुझे पता चलता है कि अच्छा आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, जो मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं व्हाट्सएप पे और लगातार फिल्मों की बातें करते रहते हैं, उनको मैं आगे अपने साथ रखूँगा। आप फिल्मों की बातें करिए, फिल्मों की चीज़ें शेयर करिए, आप पर्सनल प्रॉब्लम्स कोशिश करिए शेयर ना करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहता या आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, पर्सनल चीज़ों पर हेल्प करना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद आप पैरासाइट जैसा बिहेव करने लगते हैं, आप ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा, दैट इज़ नॉट माई फोर्टे, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। आपकी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी है, मैं एडवाइस करूँगा, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करूँगा। सो डोंट गेट एंग्री ऑन मी और सेंड दोज हेटफुल मैसेजेस कि आपने हमारी मदद नहीं करी, आपने हमको काम नहीं दिलाया। कुछ लोग तो बड़ा रूडली मैसेज करते हैं कि क्या हुआ सर, आपने जॉब के लिए बोला था मेरे को, जॉब नहीं दिलवाया, जबकि मैंने कभी बोला भी नहीं जॉब के लिए। क्या हुआ सर, असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ काम नहीं आया, आप दिलवा नहीं रहे हो काम मेरे को। अरे यार मैं इरिटेट हो जाता हूँ सब चीज़ों से। एनीवेज, अभी निगेटिव नहीं होने का, अभी पॉजिटिव होने का टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा और उसके बाद हम लोग अपनी फिल्म बनाएंगे। मैं अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, कुछ किताबें भी लिख रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। और जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।